हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, सवाल जवाब सीरीज का 7th एपिसोड है। सारे एपिसोड्स में आपने ढेर सारे मुझसे सवाल किए हैं। मेरी भी ये पूरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इन एपिसोड्स के माध्यम से सटीकता के साथ और लॉजिकली दूं। हालांकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि अपनी कोई पर्सनल बर्थ डिटेल ना डालें, कोई ऐसा क्वेश्चन ना डालें जो कि आपका पर्सनल हो, बल्कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो कि एस्ट्रोलॉजिकली तो हो लेकिन सार्वजनिक हो, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने कोई प्रश्न पूछा है तो उसका आपको तो लाभ मिले, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी उससे कुछ नॉलेज मिले, उन्हें भी उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आए। इस वजह से ये जो सीरीज़ चल रही है ये सार्वजनिक सीरीज़ चल रही है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हम प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम पर्सनल आपका बर्थ डिटेल लेकर के या पर्सनल कोई आपका क्वेश्चन लेकर के उसका भी जवाब दें, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। आपका स्वागत है इस वीडियो में भी, या किसी भी वीडियो में आप अपना कोई सा भी सार्वजनिक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, उनका जवाब जरूर से दिया जाएगा। एक चीज जरूर है कि देखिए, हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब ना दिया जाए क्योंकि उससे वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा आने वाले एपिसोड्स में। ये बात जरूर से आपसे कहता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम पिछले वीडियो में या पिछले एपिसोड में पूछे गए सवालों को नहीं ले पा रहे हैं। हम एपिसोड नंबर 4 में, जो चौथे एपिसोड्स में आपने जो भी सवाल मुझसे किए थे, उन सवालों को आज के इस एपिसोड में हम ले रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पिछले एपिसोड्स में जो भी आपने सवाल सार्वजनिक तौर पर किए हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा, आने वाले एपिसोड्स में उन्हें भी लिया जाएगा। चलिए, समय को अब ज़्यादा न गंवाते हुए अब पहले प्रश्न पर चलते हैं। शशि भास्कर जी मुझसे सवाल करते हैं कि सिंह लग्न में शनि हमेशा बुरा परिणाम ही देगा क्या? तो शशि जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो लग्नेश हो गए, अति योगकारक ग्रह हो गए, और शनि जो है वो अति मारक ग्रह हो गए, छठे भाव के स्वामी हो गए। तो सामान्यतः मारक ग्रह ने खराब ही फल देने हैं, लेकिन एक स्थिति बनती है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि छठे आठवें या बारहवें भाव का स्वामी छठे आठवें या बारहवें भाव में कहीं जाकर के बैठ जाए, और लग्नेश की स्थिति कहीं अच्छी हो, मजबूत हो कुंडली में, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। हाँ, जो विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहा है उसने भी प्रबल होना चाहिए। तो इस तरह से भी विपरीत राजयोग की स्थिति शनिदेव की बनती है तो ये अपने बहुत अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। एक और स्थिति ये बन सकती है कि शनिदेव यहाँ पर 7th हाउस लॉर्ड भी होते हैं, तो 7th हाउस में आकर के बैठ जाए। तो कभी कभी, मैं 100% यहाँ पर नहीं कह सकता कि कुछ लोगों को खराब फल भी मिले हैं, लेकिन अक्सर 75% कुंडलियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें अच्छे फल यहाँ पर शनिदेव दे देते हैं स्वराशि होकर के, 7th हाउस में सप्तम भाव में स्वराशि होकर के। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में 100% अच्छे फल देंगे, और 7th हाउस में स्वराशि होकर के ये अपने अच्छे फल देंगे, लेकिन ये 75% कुंडलियों में ही अच्छे फल देखे गए हैं, 25% कुंडलियों में इन्होंने अच्छे फल नहीं दिए हैं। ये मैंने आपको फैक्ट सामने रख दिया। इसके अलावा शनिदेव कहीं बैठते हैं, चाहे वो कैसे भी बैठे हैं, चाहे उच्च राशि बैठे हैं, जो भी है वो अपने खराबी फल देंगे। शशि जी के बाद प्रदीप जी मुझसे सवाल करते हैं कि यदि पत्रिका में छठे स्थान में मकर राशि में गुरु वक्री हो और महादशा चले तो क्या फल होगा? देखिए प्रदीप जी, आपने छठे स्थान की बात की और मकर राशि की बात की। अब मकर राशि में जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, वो नीच राशि स्थित हो जाते हैं, और फिर अपने आप में छठा भाव तो खुद अपने आप में खराबी भाव है। तो यहाँ पर यदि आप कहें कि विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन जाए तो भी यहाँ पर गुरुदेव जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं, वो अच्छे फल नहीं देंगे क्योंकि नीच राशि हो गए। तो नीच राशि हो गए तो विपरीत राजयोग की भी कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन यदि मकर राशि में नहीं है गुरुदेव, हो सकता है आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों की कुंडली में भी गुरुदेव हो छठे भाव में, लेकिन मकर राशि में ना हो, किसी और भी राशि में हो, तो भी वो सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देंगे। आप यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। एक शब्द और आपने जोड़ा कि भाई वक्री हो जाए गुरु तो क्या होगा, तो वक्री ग्रह पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको यह बताया कि वक्री का मतलब होता है ज़्यादा ताकतवर,
यदि बृहस्पति ज्यादा ताकतवर है तो आप ये देखिए कि क्या विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है। यदि विपरीत राज्यों की स्थिति छठे भाव में बन रही है तो ये ज्यादा ताकतवर होकर के बहुत अच्छे अपने परिणाम देगा। लेकिन यदि खराब स्थिति बन रही है, जैसा स्पेशली आपके केस में प्रदीप जी, आपके केस में यहाँ पर गुरु अच्छे नहीं है, तो ये यहाँ पर वक्री होकर के खराब ही रिजल्ट देंगे अपनी महादशा या अंतरदशा में, अनफॉर्चुनेटली। प्रदीप जी के बाद अनुज जी मुझसे सवाल करते हैं कि लग्नेश और मार्केश एक ही हो तो देखिए अनुज जी, लग्नेश और मार्केश एक कभी नहीं होता। लग्नेश जो है वो कुंडली के लिए अति योगकारक ग्रह होता है, और ये जरूर हो सकता है कि उनकी प्लेसमेंट कहीं बिगड़ जाए, वो प्लेसमेंट में कहीं हो सकता है छठवें आठवें या बारहवें भाव में जाकर के बैठ जाए, लेकिन वो रहेंगे तो लग्नेश ही। सेम उसी तरह मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, कोई पिता है, वो पिता चाहे कितने बिगड़ जाए, चाहे वो नशे में धुत होकर अपने परिवार का भरण पोषण पालन न कर पाए और सारी संपत्ति को बेच दें, लेकिन भाई फाइनली रहे तो पिता ही ना, खराब हो गए लेकिन है तो पिता ही ना, उन्हें पिता ही कहा जाएगा ना उनके बच्चों के द्वारा। तो बस वही बात है कि भाई लग्नेश यदि खराब भी हो गए, यदि खराब प्लेसमेंट भी मैं भी हो गए, यदि अपने खराब फल देने वाले भी हो गए, तो भी वो मार्केश तो नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे तो लग्नेश ही, या कहलाएंगे तो अति योगकारक ग्रह ही। एक चीज और हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुला लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली में जो शुक्र है वो लग्नेश तो है लेकिन एट्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं, आठवें भाव के स्वामी भी हैं। तो हो सकता है आप इस दृष्टिकोण से भी मुझसे पूछ रहे हो कि भाई शुक्र जो है वो अष्टमेश भी तो हो गए यहाँ पर, तो क्या ये मारक ग्रह कहलाए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वीडियो बनाया है योग कारक ग्रह को समझे इस नाम से, उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि यदि कोई योग कारक ग्रह है, यदि कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी है और उसी के साथ साथ तीसरे छठे आठवें या बारहवें भाव का भी स्वामी हो जाता है तो भी वो अति योग कारक ग्रह ही रहता है। यदि आप इसे और डीप में जानना चाहते हैं तो मेरे तीन वीडियोज बने हुए हैं इस बात पर, योग कारक ग्रह को समझें, मारक ग्रह को समझें और सम ग्रह को समझें, इस ये तीन वीडियो बने हुए हैं, आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं। अनुज जी के बाद सैम कपूर जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर क्या अगर नवमांश में सेवेंथ हाउस में सूर्य हो तो ये तलाक कराता है? तो सैम जी देखिए, सेवेंथ हाउस में यदि सूर्य होता है तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है, स्पेशली नवमांश में ये देखने की ज़रूरत है कि वो मारक ग्रह होकर के बैठा है या फिर योग कारक ग्रह होकर के बैठा है। यदि योग कारक ग्रह होकर के नवमांश में बैठता है तो तलाक नहीं करवाता है, उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन लग्न में यदि बैठ जाता है, चाहे मारक चाहे कारक, किसी भी तरह से लग्न में बैठ जाता है तो हो सकता है, ये चीज़ ये देखी गई है कि फर्स्ट रिलेशन जो भी होता है वो ब्रेकअप होता है। अब फर्स्ट रिलेशन में कई बातें आ सकती है, सगाई हुई ये भी फर्स्ट रिलेशन हो गया तो सगाई ब्रेक हो गई, या फिर लव अफेयर जिसे हम कहते हैं वो हुआ वो ब्रेक हो गया, या फिर शादी भी कभी कभी ब्रेक हो सकती है। लेकिन मेरी आपको सलाह यह है कि जब भी विवाह हो तो कुंडली मिलान करके हो। यदि कुंडली मिलान अच्छे से हो जाता है तो सेवंथ हाउस में चाहे मारक ग्रह बन के ही सूर्य क्यों ना बैठे हों, तलाक नहीं होगा। हाँ, उसके पहले हो सकता है कि भाई सगाई टूट जाए या फिर जो लव अफेयर में है वो ब्रेक हो जाए, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, लेकिन एक बार शादी हो गई कुंडली मिलान करके तो फिर तलाक नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन कुंडली मिलान अच्छे से करना जरूरी है। सेम जी के बाद प्रतीक सोनी जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर अगर कन्या लगन में एट्थ हाउस में मून एंड मार्स हो तो विवाह में परेशानी आती है क्या? तो प्रतीक जी, ऐसा नहीं है कि मून एंड मार्स या मंगल या चंद्र, मंगल और चंद्र दोनों साथ में जाकर के आठवें भाव में बैठ गए हैं तो परेशानी आएगी विवाह में, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी लड़का या जो भी लड़की जिसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं वो मांगलिक हो जाता है, तो मांगलिक यदि होता है तो फिर उसकी कुंडली मिलान करना बेहद बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है कि मांगलिक की या तो मांगलिक से ही शादी हो या फिर नॉन मांगलिक से हो तो वहाँ पर कुछ कैंसिलेशंस देखे जाएं, तो वो भी कैंसिलेशंस भी जो हैं वो सामान्य तौर पर ये सामान्य एस्ट्रोलॉजर्स की बात होती नहीं है, इसे बड़ा ही बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन इसमें किया जाना चाहिए। तो इस वजह से मेरा कहना ये होता है, सामान्य तौर पर मैं यही कह देता हूँ कि मांगलिक से मांगलिक की ही शादी हो, ये बेहतर है। अब जब ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति मांगलिक होता है तो उसे जब कुंडली मिलान करने की तरफ जब वो आगे बढ़ता है तो मांगलिक लोग कम मिलते हैं, चाहे वो वर की कुंडली हो चाहे कन्या की कुंडली हो।
तो मांगलिक जो लड़का या लड़की कम मिलते हैं, इस वजह से दिक्कतें हो सकती हैं कि भाई ऑप्शंस ना बचें, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसकी शादी नहीं होती या शादी होने में कोई परेशानी आती है। प्रतीक जी के बाद राम जी मुझसे सवाल करते हैं कि राहु फिफ्थ हाउस में मेष लगन में खराब होते हैं, उन्हें शांत कैसे करें। राम जी देखिए, कोई भी ग्रह को शांत कैसे करें, शांत करने का क्या उपाय होता है, इस चीज का अभी फिलहाल इस एपिसोड्स के साथ साथ, ये जो सवाल जवाब का एपिसोड आप देख रहे हैं, इन एपिसोड्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको उपायों का सीरीज भी मिल रहा है। आप इसी चैनल पर अल्टरनेटिवली उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि वीडियो उपायों को लेकर के हैं। अभी तक उन सीरीज में अभी राहु देव के बारे में भी बात हो गई है, शनिदेव के बारे में भी बात हो गई है, गुरु और मंगल देव के बारे में भी बात हो गई है। आप चूंकि राहु का आपका सवाल है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उन वीडियो में आप जाइए, उन वीडियो में आप देखिए और राहु देव आपको जो खराब फल दे रहे हैं उनको शांत कीजिए, जैसा उस वीडियो में आपको बताया है उस तरह से। लेकिन यदि आप और भी दूसरे ग्रहों के बारे में भी देखना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए जब आज ये एपिसोड बन रहा है, आज 15 तारीख है, आज जो ये एपिसोड बन रहा है, तो इसी तारीख को 4 एपिसोड्स या 4 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं उपायों के। लेकिन आने वाले समय में सारे 9 ग्रहों के उपाय आपको मिल जाएंगे, आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, सारे ग्रहों के उपायों के बारे में जान सकते हैं। राम जी के बाद संदीप जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर प्लीज 9 ग्रह के उपायों के बारे में एक वीडियो बनाएं। अच्छा, आपका भी सेम सवाल है संदीप जी। देखिए, मैं आपकी बात बोल चुका हूँ, राम जी के को जो जवाब मैं दे रहा था कि आप जो है उस वीडियो में जाइए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी फिलहाल 4 वीडियोस अपलोड हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ 9 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। अल्टरनेट ये जो सवाल जवाब का सीरीज है और उपायों का सीरीज है, ये अल्टरनेट डे चलता है। आज सवाल जवाब को मिला, कल आपको उपायों का सीरीज मिलेगा। संदीप जी के बाद तनय दत्ता जी मुझसे सवाल करते हैं कि मृत ग्रह के महादशा कैसा फल देता है। अगर कुंडली में योग कारक प्लैनेट है तो मृत मतलब कि जो डेड है, मृत अवस्था ये भी हो सकती है कि 0 डिग्री के कोई ग्रह बैठे हैं या 29 डिग्री जो मृत अवस्था की तरफ जा करके बैठ गए हैं, तो ये स्थिति मृत अवस्था किसी भी ग्रह की हो सकती है। लेकिन यदि वो योग कारक ग्रह है तो अपना कैसा फल देंगे। बहुत अच्छा सवाल है तनय जी। देखिए, मृत जो ग्रह है तो नाम से ही स्पष्ट है कि उसके पास कोई ताकत नहीं है। जब किसी ग्रह के पास कोई ताकत ही नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और जब फ्री कोई ग्रह हो जाएगा तो उसका अपना रूल रहेगा ही नहीं, तो फिर जो अंतरदशाएं आएंगी, जो अंतरदशाएं चलेंगी, उस अनुसार जातक को उतार चढ़ाव वहां पर मिलता रहेगा। तो मृत अवस्था का कोई यदि ग्रह होता, चाहे वो योग कारक ही ग्रह क्यों ना हो, व्यक्ति को अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। उसकी वजह ये हो जाती है कि उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि मृत ग्रह तो कोई अपने फल देता नहीं है, ना अच्छे देता है ना खराब देता है, लेकिन जो अंतरदशाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में चलती रहती हैं, बनती रहती हैं, और इस वजह से उसको कोई बहुत अच्छे फल या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए थे एपिसोड नंबर 4 से। आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड में और सवाल लिए जाएंगे। आप अपने सवाल पूछना जारी रखिए। ज़रूरी नहीं कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में आप उस सवाल का इंतज़ार करें। यदि नेक्स्ट एपिसोड में आपका नाम नहीं लिया जाता है, आपका सवाल नहीं लिया जाता है, तो आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर से उस सवाल को लिया जाएगा, लेकिन वो सवाल सार्वजनिक हो। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बात भी समझ में आई होगी। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।